नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज हिंदी में। मैं कुलदीप कुमार। फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री सना मरीन ने जब से नई जिम्मेदारी संभाली है तब से ही वह चर्चा में है। दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने की वजह से सुर्खियों में रही मरीन एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वह अपने एक फैसले को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल सना मरीन ने एक ऐसा कानून पेश किया है जिसके बाद अब देश के लोगों को हफ्ते में केवल 4 दिन 6 घंटों के लिए काम करना पड़ेगा, साथ ही लोगों को 3 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सना ने कहा, मुझे लगता है कि लोगों को अपने परिवार, चाहने वालों और अपने शौक या जिंदगी के अन्य मानकों जैसे संस्कृति के लिए अधिक वक्त मिलना चाहिए। यह हमारी कामकाजी जिंदगी का अगला कदम हो सकता है। प्रधानमंत्री सना का मानना है कि इससे लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। प्रधानमंत्री सना मरीन द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार करना है। सना ने जैसे ही इस प्रस्ताव को रखा, वामपंथी गठबंधन के नेता और शिक्षा मंत्री ली एंडरसन ने उनके इस कदम की सराहना की। सना ने कहा कि यह जरूरी है कि फिनलैंड के लोगों को कम काम करने की इजाजत दी जाए। ये इसलिए क्योंकि इससे लोगों की मदद होगी और हम मतदाताओं से किए गए वादे को निभा पाएंगे। सामान्य तौर पर फिनलैंड में लोग हफ्ते में 5 दिन 8 घंटों के लिए काम करते हैं। वहीं उनके पड़ोसी देश स्वीडन में 2015 में 6 घंटे काम करने की पॉलिसी बनाई गई थी। इसके बाद से वहां के कर्मचारियों में सकारात्मक बदलाव देखा गया। कुछ वक्त पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जापान और यूके की एक कंपनी पॉर्ट कुलिस लीगल ने भी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी की पॉलिसी बनाई थी। इसके बाद वहां के कर्मचारियों में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला और काम की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज हिंदी। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।